मैंने अब तक चार कोरियन ड्रामा सीरीज देखी और सच कहूँ चारों की चारों जबरदस्त रही हैं। फर्स्ट जो मेरी कोरियन ड्रामा सीरीज थी उसका नाम था रिच मैन एंड पुअर वुमन, वो आज भी अच्छी खासी चल रही है इसी चैनल के ऊपर। और जो सेकंड ड्रामा सीरीज थी, कोरियन ड्रामा सीरीज जो सेकंड थी वो थी मेल्टिंग हार्ट, और थर्ड जो थी डिसेंडेंट ऑफ द सन। और इसके बाद जो फोर्थ ड्रामा सीरीज है कोरियन की, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, इस वेब सीरीज के बारे में या इस कोरियन ड्रामा सीरीज के बारे में। वैसे ये जो लाइन है वो भी बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करती है लाइफ के अंदर, कुछ नहीं ना होना भी एक सही बात है, जो बहुत अच्छी लगी मुझे इस सीरीज के अंदर ये बात बोली जाएगी। इट्स ओके टू नॉट बी ओके ये जो ड्रामा सीरीज है वो 2020 के अंदर आई थी, और जितनी भी आप कोरियन वेब सीरीज देखते हो लगभग वो हर एक वेब सीरीज है वो 16 एपिसोड के अंदर खत्म होती है, और लगभग हर एक एपिसोड जो होता है वो 1 घंटा या 1 घंटे से कुछ ज्यादा एक टाइम का होता है। और अगर आप लोग ये वाली सीरीज देखने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको तकरीबन 17 से 18 घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे इस सीरीज के लिए। तो बात कर लेते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। अब देखो यार, ये सीरीज इतनी लंबी है कि जब मैंने इसको देख के खत्म किया तो मुझे बहुत सारे नाम जो वो याद हो गए थे। अब ये मत हैरान हो जाना कि नाम कैसे याद हो गए, ऑब्वियसली आप एक सीरीज के ऊपर इतना ज्यादा टाइम दोगे तो नाम तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो फिट हो ही जाएंगे। कहानी के बारे में चर्चा करें तो एक लड़का है जिसका नाम होता है गैंगची, और उसका एक बड़ा भाई होता है सैंगची। अब ये जो बड़ा भाई है इसके दिमागी संतुलन सही नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है, बच्चों की तरह बिहेव करता है, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे का ही सहारा है। इनकी माताजी का देहांत हो चुका है, इनके पिता का भी देहांत हो चुका है। अब वो सब चीजें क्यों हुई इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है, और इसके चलते गैंगची ने अपनी लाइफ जो है वो समर्पित कर दी अपने बड़े भाई की देख रेख में, उसकी सुरक्षा करने में। फिर एक तीसरा जो करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है गोमोनियोंग का। अब ये जो करेक्टर है ये एक लड़की है पहले, क्योंकि नाम से क्लियर नहीं होते कि कौन है, लड़की है या लड़का। ये एक लड़की है जो एक राइटर है और जो बच्चों के लिए फेरी टेल्स, मतलब अच्छी अच्छी कहानियां जो होती है ना फेरी टेल्स की, परियों की, ये कहानियां लिखती है। वैसे नाम नाम की परियों की कहानी है, होता है इसके अंदर बहुत डिफरेंट चीज है, बच्चे इसकी ड्राइंग देख कर डर जाते हैं। और जो इसका जो करेक्टर सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जो मोनियोंग है, पूरा नाम नहीं बोलूंगा, मोनियोंग इसमें बार बार बोला जा रहा था, तो ये वाला करेक्टर सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब मेरी इच्छा तो ये कर रही कि आप लोगों के साथ मैं ये तीनों करेक्टर अच्छे से डिटेल से आपके साथ मैं एक्सप्लेन करके बताऊं, इनके बारे में बात करूं। अगर ऐसा किया तो यार आप लोगों को स्पॉइलर मिल जाएगा कि इनके करेक्टर के बारे में अगर बात करने बैठूं तो मुझे हर एक चीज बतानी पड़ेगी, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों था, उसने ऐसा एक्ट क्यों किया, ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी। और फिर अगर ऐसा करने बैठा एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर आप लोगों को स्पॉइलर मिल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट खराब हो इस सीरीज के अंदर। तो कोई ना यार, दिल पर पत्थर रख लेते हैं, फिर कभी बात कर लेंगे। अगर ऐसा मौका मिला कि आप लोगों का रिस्पांस ऐसा मिला कि हाँ इस पे बात करनी चाहिए तो बेशक इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसकी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। गैंगची और मुनियों का मुलाकात होती है, और जब ये मुलाकात होती है तो मुनियों का बिहेवियर ऐसा है कि इसको कोई चीज जब पसंद आ जाती है वो हर चीज को, मतलब कोई भी इंसान इसके सामने या कोई चीज है उनको वो चीज ही कहती है, और उसको वो पसंद आती है तो उसको आने के लिए हर एक हद पार कर जाती है। मतलब भले ही वो उसको चोरी करके अपने पास रखे, किडनैप करके अपने पास रखे, अपने पावर का यूज करके अपने पास रखे, क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल एक राइटर होती है तो इसके पास पैसों की कमी तो होती है, तो इसके नखरे इतने हैं, इसका बिहेवियर ऐसा है कि इसको जो भी चीज पसंद आए उसको बस अपने पास रखना। और ऐसा ही होता है गैंगची के साथ, गैंगची इसको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। पसंद आता है, प्यार नहीं होता, इसके अंदर डिफरेंस है। कभी सोचो कि यार पसंद आ गया प्यार हो गया, ऐसा नहीं है। ये पसंद करती है और ये चाहती है कि बस ये जैसे जैसे मेरे कब्जे में आ जाए। और इसके बाद मुनियोंग गैंगची के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, और इस सीरीज के अंदर केवल रिलेशनशिप के ऊपर ही फोकस नहीं किया गया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी इसमें फोकस किया गया है। और जो का बिहेवियर है वो इतना पत्थर दिल क्यों है, मतलब कि जो पत्थर दिल एक लड़की के बारे में बात करो, इतनी पत्थर दिल वो क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है। उसका पास्ट ऐसा बीता था कि भाई उसने इतना बिहेवियर उसके अंदर चेंज कर दिया, उसके दिमाग पे इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो ऐसी बन गई है। अब वो क्या चीजें हैं जब आप ये सीरीज देखोगे तब तो आपको पता चलेगा। और सेम टू सेम ये सब चीजें जो होती है वो गैंगची के साथ भी होती है, उसका भी एक पास्ट है जिसके चलते उसने अपनी जो लाइफ है अपने भाई के समर्पित कर दी, उसने अपने लिए कोई भी
जीवन नहीं जिया, और सिर्फ सिर्फ अब तक जितना भी उसने जीवन जिया सिर्फ अपने भाई के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको सही रखने के लिए, खाने पिलाने के लिए, उसको पालने के लिए, सारी की सारी चीज़ें उसने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए की। इवन वो बार बार शहर बदल रहा है, शहर बदलने के पीछे रीजन भी यही होता है कि वो अपने भाई की रक्षा कर रहा है, उसको कुछ डरावने सपने आ रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर जैसे इन्होंने करेक्टर को कहानी में इंटरलिंक किया है एक दूसरे के साथ, वो सच में बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तो एक तरीके से वो मसाला है, बहुत बढ़िया चीज है। कोई इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, इस सब का जवाब इस सीरीज में आपको मिलता है। उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, इस चीज का जवाब आपको इस सीरीज के अंदर मिल जाता है। मतलब हर चीज का रीजन आपको इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो करेक्टर है उनके बारे में स्टोरी बताकर हमें उनसे कनेक्ट किया जाता है, और जो भी बातें हैं वो क्यों कह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स है, फिर हम अच्छे से उनको समझ पाते हैं। अब देखो यार, इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, अगर मैंने जैसे भी बताने की कोशिश की तो आप लोगों को स्पॉइलर मिल जाएंगे, और सच में मुझे गाली खाने का कोई भी शौक नहीं है, और इसलिए मुझे अपने शब्दों का बहुत सोच समझ कर यूज करना पड़ रहा है, कोई भी ऐसी चीज ना निकल जाए जिससे आप लोगों का कोई इंटरेस्ट खराब हो। ये जो सीरीज है मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इसके अंदर हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिलेशनशिप के ऊपर यानी रोमांस के ऊपर, कोई लव स्टोरी के ऊपर आपको चाहिए तो बेशक इसके अंदर वो चीज है। आपको फ्रेंडशिप देखनी है वो भी इस चीज के अंदर है। आपको फैमिली वैल्यूज के ऊपर कोई चीज देखनी है वो भी इसके अंदर। इवन थ्रिलर है इसके अंदर, सस्पेंस है इसके अंदर। अब सस्पेंस के बारे में बात करूं तो देखो यार, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा शख्स है जो आपको सस्पेंस में इसमें इन्होंने डालने की कोशिश की, और वो आपको पहचानना होता है। आपको पहचानना क्या होता है, मतलब कि एक टाइम आता है वो उसके बारे में बताते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बट इतना टाइम हो गया देखते हुए वो चीजें मैं पहचान गया था, क्योंकि उसका फेस देखकर पता चल गया था। और एक कहीं ना कहीं दिमाग चला जाता है कि यार यार ये नहीं हो सकता, ये होगा। अब फिर से वही चीज़, मैं वहीं जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगा, टेंशन ना लो। इसके साथ साथ इसमें कॉमेडी का भी तड़का आपको देखने को मिलेगा, और लव ट्राइंगल भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरती से इन सब चीज़ों को सजा कर आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। और सच में जो एंटरटेनमेंट के लिए, जिनकी आत्मा मतलब जिंदा है, उनके लिए तो ये तृप्ति है। आप इस सीरीज को देखें, मैंने आज तक ऐसी मुझे याद नहीं आ रही कि जिसके अंदर मैंने ऐसी कोई चीज देखी, ऐसी कोई वेब सीरीज, ऐसी कोई मूवी देखी हो जिसके अंदर इतने सारे एंगल्स हैं। लव स्टोरी होगी, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, थ्रिलर, सस्पेंस, कॉमेडी, इन सब चीजों को एकदम अच्छे से परोसकर दिखाया गया हो, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आ रहा जिसके अंदर। अगर आप लोगों ने कोई ऐसी चीज देखी तो प्लीज मुझे रिकमेंडेड करना, मैं उसको जरूर देखूंगा। और साथ ही साथ कोरियन वेब सीरीज की मुझे एक चीज जो बड़ी अच्छी लगती है कि इसके अंदर कोई फालतू का प्रोपोगंडा नहीं होता, ना इसके अंदर कोई वल्गैरिटी होती। हाँ, एक दो सीन होते हैं चुमा चाटी के, उसको अलावा छोड़कर इसके अंदर और भी कुछ ऐसा फालतू चीज नहीं होती। मतलब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं फैमिली के साथ, तो देखो यार एक दो सीन होते हैं तो आप अपना देख लेना। परफॉर्मेंस के मामले में भी अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मुझे इस सीरीज के अंदर जो सांगची नाम का जो करेक्टर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। परफॉर्मेंस के मामले में बहुत बढ़िया था, मतलब जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। देखो मुझे उनका असली नाम तो नहीं पता, उनका नाम क्या है, जो इसमें जो करेक्टर जो बार बार बोल रहे थे वो नाम तो मुझे याद हो गया, सांगची करेक्टर। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है उन्होंने। और इसके अलावा केवल ये तीन ही करेक्टर नहीं है, बहुत सारे और भी करेक्टर हैं, जैसे मिस्टर ली का एक करेक्टर है जो एक सीईओ है कंपनी का, जो एक पब्लिशिंग कंपनी है, जो बुक होती है उसको पब्लिश करते हैं। इन्होंने 10 साल मुनियोंग के साथ काम किया है और उसकी हर एक चीज को ये जानता है, कैसे वो बिहेव करेगी, कैसे वो एक्ट करेगी, सारी चीजों को ये जानता है। बहुत बढ़िया करेक्टर मुझे लगा। और दूसरा है जेसू का जो करेक्टर है, जो गैंगची का जो जिगरी दोस्त है, और इतना बढ़िया दोस्त इन्होंने दिखाया है कि कोई भी बात होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये इंसान उसके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। जब भी गैंगची उससे कोई हेल्प मांगता बिना सोचे बात भी नहीं सुनता कि भाई तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, ये बस और सिर्फ कहता कि मैं तैयार हूं, जो तू कहने को, जो तू कहेगा वो मैं कर दूंगा तेरे लिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीरीज हिंदी में देखने को मिलेगी, और ये कहां पर हम इसको देख सकते हैं? तो हिंदी में यार हाँ, अवेलेबल है। ये जितनी मैंने अभी तक कोरियन सीरीज देखी वो सारी मैंने हिंदी में देखी। कुछ फ्री थी, जैसे एमएक्स प्लेयर पर है वो फ्री है, और ये वाली जो सीरीज है वो हिंदी में है, और बहुत अच्छी डबिंग मुझे लगी। और दूसरी जो चीज है ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, वो फ्री नहीं है, वो अगर आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है तो आप इसको देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 10 out of 10 स्टार। सच में ये जो 16 घंटे 17 घंटे जो मैंने इस सीरीज को देखा, अपने आप को रोक नहीं पाया था इसके फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद, जिस तरीके से इन्होंने कनेक्ट किया, मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आई ये सीरीज। अगर आप लोगों ने इस सीरीज को देख रखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखा तो यार जाके देखो, वर्थ इट है इसको देखना। हर एक चीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, सस्पेंस, थ्रिलर, फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप,
बहुत सारी चीजें हैं और एक तृप्ति मिलेगी आपकी आत्मा को। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।